देखिए, जिस प्रकार से आज 4 दिसंबर को टंटिया मामा बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और उसका काफ़ी सफल आयोजन यहां पर रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले जब इंदौर और इंदौर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर बारिश की शुरुआत हुई और जो आयोजन पाताल पानी में रखा गया था काफ़ी भव्य आयोजन था, उसकी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन वहां पर अव्यवस्थाएँ होने के कारण उस स्थान को परिवर्तित किया गया। और परिवर्तन के बाद जो इंदौर जिला प्रशासन ने जिस प्रकार का काम किया है वो काबिले तारीफ था, क्योंकि 2 दिनों में पूरे आयोजन की नई तरह से पूरी भूमिका जमाना काफ़ी यहां पर एक चुनौतीपूर्ण काम था और उसको भी इंदौर जिले के मुखिया कलेक्टर मनीष सिंह ने बखूबी निभाया और उनकी जो टीम थी प्रशासनिक उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम यह किया। तकरीबन 2 दिनों में रात और दिन लगकर इस पूरे आयोजन की पूरी भूमिका फिर से उन्होंने जमाई और उसके बाद यहां पर एक सफल आयोजन पूर्ण रूप से सफल हुआ। वहीं यहां पर देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी आदिवासी भाई यहां पर इकट्ठे हुए, तकरीबन 1 लाख से अधिक यहां पर आदिवासी भाई इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी बड़ा आयोजन था। और यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी इस बड़े आयोजन में शामिल हुए और उसी के साथ सभी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। वहीं जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी, पूरे इंदौर संभाग से, अलग अलग संभाग के गांवों से सभी आदिवासी भाई इंदौर पहुंचे, उनकी पूरी व्यवस्थाएं यहां पर की, बसों के साथ साथ उनके खान पान की व्यवस्था देखी गई और काफ़ी बड़ा आयोजन था। और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर जिला प्रशासन और उनके मुखिया कलेक्टर मनीष सिंह की खासा तारीफ की। उन्होंने कहा है कि यह जो आयोजन था, 2 दिनों में इस आयोजन की पूरी तैयारी करना एक चुनौती का काम था, उस चुनौती में मनीष सिंह पास हुए हैं और अब यहां पर उनकी तारीफ के साथ साथ कई ऐसे आयोजन आने वाले समय में भी किए जाएंगे ताकि यह आयोजन यहां पर मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार की छवि छोड़ पाए। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।